आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सभागार में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है और उस मौके पर भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा है कि इमरान खान का भाषण भड़काऊ और उनकी बोली हर बात झूठ है। उनका भाषण नफरत से भरा हुआ था। मैत्रा ने कहा है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति जो है बदतर है और उन पर जुल्म हो रहे हैं। 1947 की तुलना में आज कुछ फीसदी भर अल्पसंख्यक बचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंक को पाकिस्तान पेंशन देता है, वहीं पाक ने खुलेआम लादेन का बचाव किया, उनसे मानवाधिकार पर नसीहत नहीं सुननी। विदिशा मैत्रा ने इमरान खान से पाक जमीन पर पल रहे आतंकवादियों का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि क्या इमरान खान पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 130 आतंकवादियों को नकार सकते हैं। वहीं से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा सभागार के मंच से करीब 50 मिनट तक दिए भाषण में खान ने परमाणु युद्ध का राग अलापते हुए आधा समय कश्मीर और भारत पर बोला, जिसके बाद भारत ने इमरान खान के संबोधन के जवाब में अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया।